पठानकोट के काली माता मंदिर के बाहर पड़ते बाजार के दुकानदार पानी की निकासी ना होने की वजह से परेशान हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए दुकानदारों ने बताया कि इस मार्ग पर पिछले 6 साल से यही समस्या वे देख रहे हैं कि थोड़े से बरसात की वजह से यहां पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे आने जाने वाले राहगीरों के साथ साथ दुकानदारों को भी दिक्कतें पेश आती हैं। उन्होंने प्रशासन से इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। पठानकोट से लक्की सरोज की रिपोर्ट। केशपुरी एक काली माता मंदिर के एरिए की समस्या पिछले किन्ने सालों तो हल नहीं हुई। यह कई सरकार आई तो कई गई। अही अज प्रशासन को कह रहे हैं कि प्रशासन यह सड़कों की सुनवाई करे, यह पानी का जड़ी समस्या है समाधान करे। लोगों बड़ी दिक्कत होंगी है, इतों लंघन वेले कई बेचारे बिच पानी जो डिग पेंदे ने। इन्होंने समस्या का हल किया जाए, जल्द तो जल्द हल किया जाए। आइए सरकार अगे बेनती करने हैं, हाथ जोड़ के बेनती करने हैं कि यह समस्या का हल किया जाए। हाँ जी, मैं संदीप अरोड़ा मालक कॉटन हब तो पिछले 6 साल तो मैं इतने दुकान कर रहा, 6 साल की यह प्रॉब्लम है। जरा जी नहीं बरसात होंगी इतने पानी पानी हो जाता, और पिछले 6 साल तो कई सरकार दो सरकार बदलियां, लेकिन इतने का काम कोई नहीं होया। और हर वारी की एको कंप्लेंट होंगी है कि नाली ब्लॉक हो जाती है और पानी जमा हो जाता। कई बार इतने लोग गिरे हैं, गड्डिया रुकिया, खराब हुई हैं, सब कुछ होया, कंप्लेंटा भी कीतिया गई, लेकिन इसका हल कोई नहीं होया। हाँ जी, मैं यही मंग करांगा कि यदि जल्द से जल्द यहाँ हल किया जाए। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी, और सारना वगदा बाजार है गाय वाला।